हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम मैजिक ट्रेड सिस्टम इंडिकेटर देखने जा रहे हैं और मैंने चार्ट लगा के रखा है रिलायंस फ्यूचर। इस स्ट्रेटेजी के बेस पे आपको किस प्रकार के सिग्नल जनरेट होके मिलेंगे, किस प्रकार का एनालिसिस आपको किसी भी सिग्नल को लेके करना है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये हमारा इंट्राडे चार्ट है, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैंने प्रेफर किया है। मैजिक ट्रेड सिस्टम इंडिकेटर हम देख रहे हैं। सो इस इंडिकेटर में आपको दो कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेंगे, एक हैकिनेशिये और एक नॉर्मल कैंडल। सो इफ अगर आप हैकिनेशी कैंडल्स पैटर्न में कंफर्टेबल ना हो तो आपको राइट क्लिक करके पैरामीटर्स में जाना है और हैकिनेशी को आपको कैंडलस्टिक में कन्वर्ट कर देना है, तो आप नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न देख सकते हो। तो जब स्ट्रेटेजी में बाय सेल कॉल जनरेट होके मिलते हैं तो आपको एरोस शो होके मिलेंगे। रेड कलर में आपको सेल का इंडिकेशन देगा और ग्रीन कलर का एरो आपको बाय का इंडिकेशन देता है। तो जब कोई भी बाय सेल कॉल आता है तो एंड ऑफ द कैंडल हमें वर्क करना है, मतलब कैंडल क्लोज होने के बाद आपको डिसीजन लेना है कि ये कॉल कितना परफेक्ट है। अब ये डिसीजन किस बेस पे लोगे आप, तो उसके लिए सबसे पहला जो मैट्रिक होता है, एक वॉल्यूम हमारे साथ में होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है मुझे ग्रीन है, ट्रेंड लाइन हमारी ग्रीन होनी चाहिए और जो बायर्स सेलर्स का परसेंटेज है इसमें आपको मैक्सिमम बायर्स होने चाहिए। तो ये सिंपल मैट्रिक्स है, इसके बेस पे अगर आप ट्रेड करो तो परफेक्टली आपको फर्स्ट सेकेंड टारगेट मिल जाते हैं। सो जैसे कि इस कॉल के बेस पे आपकी जो एंट्री बनी थी 2596 की बनी और जो टारगेट इसका सेकेंड था 2607। लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हो ये कॉल 3 बजे के अराउंड आया था, तो समय के कमी के चलते इसने आपको डॉट टारगेट हिट नहीं करवाया, लेकिन जो हाई मिला आपको 2606 का मिला अराउंड। सो 10 रुपीज का प्रॉफिट इसके बेस पे आपको इजीली मिल गया। तो रिलायंस फ्यूचर की बात करें तो 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट आपको एक लॉट के बेस पे लगता है और जो लॉट साइज है इसकी 250 की, मतलब 1 रुपये पे आपको 250 का प्रॉफिट होता है। तो इस कॉल के बेस पे आपका जो प्रॉफिट बना अराउंड 2500 का। सिमिलरली ये सेल कॉल आप देख सकते हो, यहां पे भी सारी कंडीशन आपके फेवर में थी, 90% सेलर्स थे, वॉल्यूम आपका रेड में था और ट्रेंड लाइन का कलर भी आपके फेवर में था, तो इजीली इसने भी आपको टारगेट्स दे दिए। सो इसी तरह का एनालिसिस आपको करना है किसी भी स्टॉक्स को लेके और आपको इजीली परफेक्ट कॉल में ट्रेड करना है ताकि आपको आसानी से टारगेट्स मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।